नमस्कार, मैं आंचल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओवर ईटिंग के बारे में। कई लोगों को थोड़ी थोड़ी देर बाद बहुत भूख लगती है, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा उनको क्रेविंग होती है कि मैं अब चॉकलेट खाऊं, मैं अब ये खाऊं, मतलब बार बार उन्हें भूख लगती है और बार बार खाने की वजह से हमारा वेट बहुत जल्दी से बढ़ जाता है। ये तो आप सब जानते हैं क्योंकि हमारी बॉडी जब फैट ज़्यादा हो जाता है तो उस फैट को स्टोर करने लगती है। अब ज़्यादा खाने की बहुत सारी वजह भी हो सकती हैं। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा लीजिए, क्योंकि बेल बटन दबाने से हम जुड़े रहेंगे, आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं बात कर रही थी क्रेविंग के बारे में, जिन्हें बार बार क्रेविंग होती है और ज़्यादा खाने की वजह से हमारा बहुत जल्दी से वेट कम बढ़ जाता है। तो अब इस क्रेविंग को किस तरह रोका जाए, ओवर ईटिंग को किस तरह रोका जाए कि बार बार भूख लग रही है, कभी पकौड़े खाने का मन कर रहा है, कभी समोसे खाने का मन कर रहा है, शाम हो गई है समोसे खा लेते हैं, बारिश हो रही है पकौड़े खाते हैं, अब बहुत देर हो गई खाना खाए हुए, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, चलो आइसक्रीम खा लेते हैं। जिन लोगों को बार बार क्रेविंग होती है, इसके बहुत से रीज़न्स भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके पेट में कीड़े हों, आपको ज़रूरत है चेक करवाने की, अपना स्टूल टेस्ट करवाइए, किसी भी लैब में जाके अपना स्टूल टेस्ट करवाइए, हो सकता है आपके पेट में कीड़े हों। बहुत ही सिंपल सा उसका इलाज होता है, 2 टैबलेट्स होती हैं जो हफ्ते में खानी है, उससे आपके पेट के कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। और इसके अलावा हो सकता है आप बहुत स्ट्रेस में हों, क्योंकि जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं तो खाना हमें बहुत अच्छा लगता है और खाने से हमारा स्ट्रेस का लेवल कम होता है। तो हो सकता है आप बहुत स्ट्रेस में हैं, अगर स्ट्रेस में हैं तो आप अपनी स्ट्रेस की तरफ ध्यान दीजिए कि क्यों है, और खुश रहने की कोशिश कीजिए, अपने स्ट्रेस को दूर करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी वजह हो सकती हैं, बहुत बीमारियां होती हैं जिसमें ओवर, कई बार शुगर होती है उसमें बार बार भूख लगती है, तो अपने शुगर लेवल को, अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखें, अगर कम है तो अपने आप जो भी मेडिसिन लेते हैं या फिर जो भी आपकी डाइट है उस हिसाब से खाइए कि शुगर ज़्यादा या कम ना हो, क्योंकि उससे भी भूख लगती है। अगर आप बिल्कुल फिट हैं बट फिर भी बार बार खाने का मन करता है तो उसके पीछे मैं आज आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जो आप यूज़ करेंगे तो आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाएंगे, ओवर ईटिंग से बचेंगे और जो बार बार क्रेविंग होती है आप उससे बचेंगे। मैं आज आपको एक बहुत छोटा सा और बहुत ईजी ट्रिक बताने जा रही हूँ कि जब आपको बहुत क्रेविंग हो, ये खाना है लेकिन आप खाना खा चुके हैं, आप नहीं चाहते कि ओवर ईटिंग करें तो, लेकिन आपको भूख लग रही है, तो सबसे अच्छा जो एक ट्रिक है जो साइंटिफिकली प्रूव्ड भी हो चुका है कि 30 सेकंड्स के लिए अपने फॉरहेड पे ऐसे टैप करें। इस तरीके से जब आप 30 सेकंड्स के लिए अपने फॉरहेड पे टैप करेंगे तो आपकी क्रेविंग 30 सेकंड्स में ख़त्म हो जाएगी। ये मैं ऐसे नहीं बोल रही, खुद का अपनाया हुआ ये मेरा वो है कि मैंने ये अपनाई है ये चीज़, जब मुझे क्रेविंग होती है जस्ट टैप माई फॉरहेड लाइक दिस, आप ऐसे टैप करेंगे तो आपकी क्रेविंग विद इन 30 सेकेंड्स ख़त्म हो जाएगी। आप ये करके देखिए, और जब भी किसी चीज़ की क्रेविंग हो आपको, लाइक आप फील कर रहे हैं समोसा खा लूँ, रोटी खा लूँ, तला हुआ, क्योंकि जब हमें क्रेविंग होती है हमारा ध्यान जाता है बर्गर खा लूँ, डोसा खा लूँ और पिज़्ज़ा खा लेता हूँ, तो ये हम अपनी बॉडी को सर्व नहीं कर रहे, हम ये अपने माइंड को सर्व करते हैं। जब हमें क्रेविंग होती है हम अपने माइंड को सर्व करते हैं, अपनी हमारी बॉडी को नीड नहीं होती उसकी। तो तब आप वेट करें, वेट फॉर 10 मिनट्स, अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाएं एंड वेट फॉर 10 मिनट्स कि यार रुक जा, और कोशिश करें जब भी भूख लगे पानी पिए। पहले पानी पीने से क्या होगा, आप खाना भी कम खाएंगे और जब आपको क्रेविंग होती है तो आप एक कोशिश कीजिए, अगर आप ऑफिस या कॉलेज कहीं भी जाते हैं बार बार आपको वर्क पे क्रेविंग हो रही है तो आप ऑन द गो अपने पास हमेशा शिकंजी या फिर लेमन हनी वाटर ऐसा अपने पास हमेशा कैरी करें, और जब भी आपको क्रेविंग हो सिप सिप कर कर उसे थोड़ा थोड़ा पीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी क्रेविंग ख़त्म होगी, आप जब उसे सिप करके पिएंगे, इसको आदत में लाने में थोड़े दिन लगेंगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छा तरीका है जो कि मेरे डाइटिशियन ने मुझे बताया था कि जब भी आपको क्रेविंग हो, क्योंकि एकदम से आप अगर चाहेंगे कि आप खाना बंद कर दें तो हमारी बॉडी वो उस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पाती,
तो आपको जब भी भूख मतलब ऐसे क्रेविंग हो खाने के बाद भी, तो आप क्या करें कि हमेशा अपने पास एक हनी लेमन वाटर तैयार रखें जो कि आप सिप करके पिए, उससे क्रेविंग ख़त्म होगी। दूसरा तरीका है कि अपने आप बहुत ज़्यादा अपनी भूख को नहीं बढ़ने दें, जब आपको थोड़ी भूख लगे तो खा लें, अच्छी चीज़ खाएं, सैलड खाएं, अच्छा खाना खाएं। जब आप थोड़ी भूख में ही खा लेंगे, आपकी भूख हाइट पे नहीं पहुंचेगी, तो आपको क्रेविंग्स नहीं होंगी, आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि जब हमारी भूख बहुत ज़्यादा हाइट पे बढ़ जाती है तो फिर हमारा जंक फूड खाने का मन करता है, वो चीज़ें खाने का मन करता है जो हमारे लिए हेल्दी नहीं होती, चटोरी चीज़ें खाने का मन करता है, गोलगप्पे, चाट, भल्ला, मतलब लाइक दिस मन करता है कि ये चीज़ें खाएं। पर जब आप अपनी भूख कम भूख में ही खा लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी क्रेविंग इतनी नहीं बढ़ेगी। और अपने टेस्ट ज़रूर करवाएं, हो सकता है आपको डायबिटीज़ हो सकता है आपके पेट में कीड़े हों। पेट में कीड़े सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी हो सकते हैं, और इसका बहुत सिंपल सा इलाज है, वो गोली खानी है और कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। और अगर ज़्यादा कई बार ना भूख लगने की वजह भी कीड़े होते हैं पेट में कीड़े होने की वजह ना, उसकी वजह भी नहीं भूख लगती कई लोगों को, कई लोगों को बहुत लगती है, कई लोगों को बिल्कुल नहीं लगती। तो आप पहले तो अपना टेस्ट करवाएं, लेकिन अगर आपको लगता है आप बिल्कुल फिट हैं, आपकी आदत बन चुकी है, आपकी बॉडी को आदत हो गई है बार बार खाने की, तो पहले तो अपने आप को, आपको अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, अपनी विल पावर आपको स्ट्रॉन्ग करनी होगी, क्योंकि आप ही हैं जो खुद को रोक सकते हैं, आप ही हैं जो खुद को बिगाड़ सकते हैं। और जैसे खाना खाने बैठे हैं, आलू का पराठा खा रहे हैं, तो एक खा लिया, दो खा लिया, अब बहुत टेस्टी है और मन कर रहा है, कोई आपको कह रहा है कि ले लो ना ले लो ना, थोड़ी स्ट्रांगली नो बोलिए, गुस्से में नहीं, नहीं मेरा बस हो गया, और उठ दीजिए, उसी वक्त उठ दीजिए, प्लेट किचन में रख दीजिए, अपने ऊपर कंट्रोल करें। ये नहीं कि मन में आया चल यार खा लेता हूँ, और अगले को भी आपके एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा ये ले लेगा। अगर आप स्ट्रांगली बोलेंगे नहीं मेरा हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया मुझे, नहीं और नहीं खाना, बस दैट्स इट, आप स्ट्रांगली उठें और अपनी प्लेट रख दें। अपना कंट्रोल आप खुद पर करें, आप खुद जितना कंट्रोल कर सकते हैं कोई भी आपको नहीं कर सकता। अपने दोस्त खुद बने, अपने आप को गलती करने पर डांटें, और अपने आप को अपना अच्छा रूटीन चलने पर अपने आप को पार्टी भी दें। ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही खाना बंद कर दें, हफ्ते में एक दिन रखें जब अपने आप को पार्टी दें, अपने आप को ट्रीट दें, अच्छा जो मन करे चटोरा खाएं, चीट मील्स खाएं, जो आपका मन, आप पूरा हफ्ता नहीं खा पाते संडे का दिन रखें उस दिन खाएं। इस तरीके से क्या होगा कि आप बोर नहीं होंगे, अपने आप को बोर नहीं होने दें एक ही लाइफस्टाइल में, अपनी रूटीन को रोज़ अपने जो मेन्यू है चेंज करें। अगर आप सोचें कि इस मेन्यू को लेकर मैं 15 दिन चलूँगा, मैं बस 15 दिन ये सलाद और यही खाऊँगा, तो बोर हो जाएंगे, अपने आप को बोर नहीं होने दें। बहुत ढेरों रेसिपीज़ हैं यूट्यूब पर, सर्च कीजिए फैट फ्री ज़ीरो कैलोरीज़, जो कि टेस्टी भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं। और अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल कीजिए, खाना खाने से पहले पानी पी लीजिए, आपको क्रेविंग हो रही है पानी पी लीजिए, अपने फॉरहेड को टैप कीजिए, अपने आप को खुद को समझाइए, और सुबह उठकर अपना वेट रोज़ चेक कीजिए। वेइंग स्केल मशीन हर किसी के घर पे होती है, अपना वेट ज़रूर चेक करें। वेट चेक करने से क्या होगा कि आप दिन के सुबह के टाइम वेट चेक कीजिए, अपना टारगेट सेट करेंगे कि आज मुझे ये नहीं खाना, आज मुझे गलत नहीं खाना। जब आप रोज़ अपना वेट, ये नहीं दो तीन दिन बाद कर लूँगा, रोज़ करो, रोज़ अपना वेट चेक करेंगे तो रोज़ आपके मन में आएगा मुझे ये गलत नहीं खाना, तो आप नहीं खाएंगे। और अपने आप के आगे कोई फिगर रखें, अपने रूम में कोई ऐसी एक्ट्रेस की या एक्टर की फ़ोटो लगाएं जो जैसे आप बनना चाहते हैं, जैसी बॉडी आप चाहते हैं, बार बार उस चीज़ को देखिए। उठते बैठते अपने फ़ोन का वॉलपेपर लगाइए, अपने रूम में उनका पोस्टर लगाइए, अपने ऑफिस में उनकी फ़ोटो रखें, कि बार बार आपको अपना मोटिव नज़र आए कि मुझे इस तरह बनना है, मुझे इतना पतला होना है, मुझे ऐसी बॉडी बनानी है। बार बार जब आप फ़ोटो देखेंगे, बार बार आप रिमाइंड करेंगे कि नहीं मुझे ऐसा बनना है, कुछ गलत खाने लगेंगे तो रुक जाएंगे कि नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे ऐसा बनना है, पहले मैं ऐसा बनूँ फिर मैं खाऊँगा।
या मैं फिर तब खाऊंगी। ये जब आप करेंगे ना, और जब आप फिर वेट चेक करेंगे डे बाय डे, आप देखेंगे वेट कम हो रहा है, इतनी खुशी मिलेगी ना आपको, आप इतने मोटिवेट होंगे, मैं सच बता रही हूँ कि आप इतना अच्छा फील करेंगे कि यार मेरी मेहनत इतना अच्छा फल लेकर आई, मेरा मतलब 5 दिनों में मेरा 1.5 किलो कम हो गया। मैं ऐसे ही चलूँगा भाई, मैं ऐसे ही चलूँगा, देखना, मैं बता रही हूँ आप ऐसा करोगे। जब आप रोज़ वेट चेक करोगे, अपना वेट कम होते पाओगे, तो कितने मोटिवेट होगे आप। और क्रेविंग्स को आप कभी भी किसी पिल से कंट्रोल नहीं करें, पहले उसका रीज़न ढूंढिए कि रीज़न क्या है, कि कोई मेडिकली प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप फिट हैं तो अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल सबसे ज़रूरी है। हर चीज़ को कंट्रोल में लाने के लिए सेल्फ कंट्रोल इज़ मस्ट। तो अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए, विल पावर स्ट्रॉन्ग कीजिए और कुछ ट्रिक्स अपनाइए। इन ट्रिक्स को आप जब अपनाएंगे, अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, तो आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। और खाना हमेशा छोटी बाइट्स में खाएं, छोटी प्लेट में खाएं। छोटी प्लेट में खाएंगे कम लेंगे, और धीरे धीरे खाएं, और टीवी देखते हुए नहीं खाएं। क्योंकि क्या होता है कि टीवी देखते देखते हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं। टीवी देखते हुए नहीं खाएं, अपना खाने पर ध्यान दें, छोटी प्लेट में खाएं, छोटी छोटी बाइट खाएं और लंबे समय तक चबाएं। जब आप ये सब करने लगेंगे तो आपकी क्रेविंग ख़त्म होने लगेगी, और जब आप एक लाइफस्टाइल को अपने आप को बदल लेंगे तो धीरे धीरे आपकी क्रेविंग ख़त्म होने लगेगी। फिर आपका मन नहीं करेगा गंदा खाने का, जंक फूड खाने का, गलत चीज़ें खाने का, आपका खुद ही मन नहीं करेगा। जब आपको उसका रिवॉर्ड मिलने लगेगा, आप पतले होने लगेंगे, इंचेस कम होने लगेंगे, तो आपका खुद भी मन नहीं करेगा। पर पहले आपको खुद को कंट्रोल करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर हेल्प मिलेगी, आप भी इन ट्रिक्स को अपनाएंगे और ओवर ईटिंग करने से बचेंगे, अपनी क्रेविंग को रोक पाएंगे। इसके साथ साथ मैं आप सबके लिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूँ, कुंडली से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूँ, ग्रहों से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूँ। तो अगर आपका भी कुंडली से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैंने नीचे नंबर मेंशन किया है, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं कीजिए, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द करूँगी आपको। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएँ। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, गुड बाय।